आप देख रहे पीटीएन न्यूज़। पुलिस के द्वारा दो अलग अलग घटनाओं का तुरंत संज्ञान लेते हुए दो अभियुक्तों को धर दबोचा। अब खबर विस्तार से। पुलिस के द्वारा दो अलग अलग घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा दो अलग अलग घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें थाना सदर बाजार के अंतर्गत हसनपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोप में पप्पू उर्फ पंकज को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी घटना में रात्रि के समय खुलेआम शराब का सेवन कर पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने के आरोप में रोहित राज गौतम पुत्र अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा मामला है थाना सदर बाजार का, इसका खुलासा किया जी। हाँ, कल थाना सदर बाजार में दो घटनाएं हुई, जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहीं से जो इसमें मुलजिमान थे उनको पकड़ा और उनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पहली घटना ये हुई थी हसनपुर चौकी क्षेत्र में, सवालपुर नवादा गांव पड़ता है, उसमें एक 10 साल की बच्ची थी। उसके बाद छेड़खानी दुकान में जब वो गई थी दूध लेने, तो वहाँ पे एक युवक द्वारा उनके साथ छेड़खानी करी गई और अभद्र टिप्पणियाँ की गई। तो उसमें जो हमारा मेन अभियुक्त था पप्पू पंकज, उसको गिरफ्तार करके आज पॉक्सो की धाराओं में कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और दूसरी घटना रात को करीब 10:30-11 बजे के बीच में हुई थी। ये रोहित राज जो उसमें अभियुक्त है, वो वहाँ पे शराब का सेवन कर रहा था खुले में। हमारी PRV 953 वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ के जो हेड कांस्टेबल है उनके साथ भी उसके साथ बदतमीजी की जाती है और उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको भी आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर, इस बदतमीजी वाले मामले में 3 लोग बताए जा रहे थे, 2 लोग क्या और भी फरार हैं, वो उनकी गिरफ्तारी मौके से होगी? नहीं, जब ये 3 लोग वहाँ पे थे, लेकिन जब ये यहाँ PRV पहुँचती है, 2 लोग वहाँ से तुरंत मौके से भाग गए थे। उनके द्वारा कोई अभी तक टिप नहीं की गई थी। PRV के जो कर्मी हैं उनके द्वारा यही मेन उसमें थे जिन्होंने बदतमीजी करी थी। सर, रोहित राज गौतम जो है कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? जी हाँ, ये विवेचना संबंधी इशू है। ये अगर इस तरह कुछ आते हैं तो अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तो मुझे इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है। जी हाँ, आज से कुछ 10-15 दिन पूर्व एक घंटा घर जो हमारा एरिया है वहाँ पे टेम्पू लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिनमें यही जो हमारे अभियुक्त हैं इस वाले केस में, इन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पे एक जो टेम्पो चालक था उसके साथ मारपीट की थी और उसका पैर तोड़ दिया था। इसमें एक मुकदमा कोतवाली नगर में लिखा गया है। और जब जिसका पैर तोड़ा था उसका जो साथी है वो लेकर उसको अस्पताल लेकर आया, भर्ती कराया, तो इन्होंने इतनी दबंगाई दिखाई कि उन्होंने आकर जो उसका साथी था उसके साथ ही मारपीट यहाँ पे जनकपुरी में करी, जिसमें एक SC ST एक्ट के तहत ये मुकदमा लिखा गया था। ये तीनों जो हैं सम्मी, जमील और बाबू, ये तीनों वहाँ पे टेम्पो चलाते हैं और रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनको आज जनकपुरी थाने में जो SC ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया है उसमें इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। सर, कारण क्या रहा था मारपीट करने का? जो मुख्य रूप से बता रहे हैं आसपास लोग, टेम्पो कौन आगे लगाएगा उसको लेकर वहाँ पे ये मेन विवाद का जड़ बना था।